तप स्थल के नीट यूजी चैनल में आपका स्वागत है। आज आप लोगों की क्वेरी जैसे रही कि सॉलिड स्टेट में कुछ एचसीपी और एफसीसी के बारे में, तो देखिए एवरीवन, जैसे सिंपल सेंटर्ड क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, फेस सेंटर्ड क्यूबिक, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, ठीक है एवरीवन। तो उसमें देखिए रैंक ऑफ सॉलिड, क्या चीज़ देखना है, रैंक ऑफ सॉलिड। रैंक ऑफ सॉलिड क्या होता है, नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन पर यूनिट सेल। तो एस सी सी में कितना 1, बी सी सी में कितना 2, एफ सी सी में कितना 4, एस सी पी में कितना 6, ठीक है भैया। वैसे ही रेडियाई और पैकिंग फ्रैक्शन लिखा हुआ है, रेडियाई और पैकिंग फ्रैक्शन लिखा हुआ है। पैकिंग फ्रैक्शन इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, इन टर्म्स ऑफ पाई इक्वली इम्पॉर्टेंट है। इसमें फटाफट देखिए वाइड के बारे में थोड़ा सा आप लोगों की क्वेरी थी। तो एच सी पी में टेट्राहेड्रल कितने होंगे और ऑक्टाहेड्रल वाइड कितने होंगे। तो देखिए टेट्राहेड्रल वाइड 2 पर एटम होते हैं, कितने होते हैं 2 पर एटम, और ऑक्टाहेड्रल वाइड कितने होते हैं 1 पर एटम होता है। तो देखिए एवरीवन, 2 पर एटम होता है टेट्राहेड्रल वाइड और नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं 6, तो 2 × 6, तो टेट्राहेड्रल वाइड कितने आ गए 12, ऑक्टाहेड्रल वाइड कितने आ गए 6, ठीक है एवरीवन। ऐसे ही यदि हम एफसीसी में देखें, एफसीसी में टोटल नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल कितने होते हैं 4, तो टेट्राहेड्रल में 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऑक्टाहेड्रल वाइड 1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, अकॉर्डिंगली आ जाएगा। ये आपको रेडियस भी याद रखना है, टेट्राहेड्रल वाइड अपॉन स्फीयर, ऑक्टाहेड्रल वाइड अपॉन स्फीयर के रेशियो, इसके भी आने के चांसेज होते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।